वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रदेश टीवी USA ते संगत टीवी UK तो मैं आप जी दे कोल हाजिर होया, क्योंकि एक पिछे जे बड़ा बवाल उठिया ते आप जी ने उसका बड़ी दलेरी नाल जवाब दिता। लाइव भी उसनों तुसी स्टेज दे उत्तों लाइव करके भी सारिया संगतां नूं उस बारे जाणू करवाया। ते हुण एक होर नवां बवाल उठिया है कि कोई गुरप्रीत सिंह जो अमेरिका च रहिंदा है ते उसने उन्हें कोई रेप किसी लड़की का किया है, तो उहदे विच भी कहिंदे ने कि भी ढड्डियां वाले महापुरखां दा नाल ओह रहिंदा सी, लेकिन वह इस टाइम तो US विच है। तो वह बवाल भी एक बहुत मुद्दा बनता जा रहा है, तो आप जी उस बारे की कहना चाहोगे जी? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो मैं संगत TV का और प्रदेश TV जो USA विच चलता है, संगत TV UK चलता है, इन्हां दी टीम का धन्यवादी हाँ। इन्होंने साढ़े तक पहुँच की है इस विषय से जानने की कोशिश की। जो पहला बवाल उठा वो बारे संगत भली भांत जाणू है, संगत विच क्लीयर कर चुके हैं। और उस विच भी मैं एक गल क्लीयर कर दिती सी कि कोई बंदा इत्थे रहिंदा है, इत्थों चलिया जांदा है, वो की करदा है, उस तो बाद साडी जिम्मेवारी नहीं रह जांदी। पर ये संसार भर विच जदों भी कोई गल हुंदी है फैलदी है, तुहानू पता है कि विरोधी लोग भी ने नाल नाल ये चलते ने और चलने भी ने। वो सुखविंदर सिंह नू खड़ा किया गया, उहदे बैक ते पूरे बंदे ने प्री प्लैन ने सारा कुछ होया। उस तो बाद फिर इन्होंने जदों गल नू मैं सामने आया, मैं जवाब दिते ने साडे पल्ले सच है, असी सबूतां दे आधार ते दलील नाल गल करने, उहदे विच कोई सबूत नहीं सी, सारे ही दोष बेबुनियाद सन। खास मेरे करैक्टर तक भी दोष लाता। उस तो बाद प्रॉपर्टी बनाई इन्होंने, इन्हों को 5-6 कोठियां ने। उस तो बाद फिर उन्हें क्या मेरे केस कटा दिते गए आ, इदां दे उन्हें गल्लां खड़ियां कीतियां, उहदा जवाब मैं डट के दिता है। मैजिस्ट्रेट की जिहड़ी रिपोर्ट आ भी 1-2 दिन विच आ जाणी है, और उन्हां बंदियां नाल भी मैं गल कीती जिन्हां ने उहदी जमानत भी भरी है, भी जिस वेले उहनूं जमानत करा के लैके गए ने 2 तरीक नूं, उदन उहदे केस सन, साबत सूरत सी, सब कुछ सी। ये उन्हें बाद विच ड्रामा रचिया, ये तो हुण प्रशासन ने भी अपनी रिपोर्ट दे देनी है, सारी संगत दे सामने आ जाएगी। हुण जिहड़े विरोधी लोग ने जदों उन्होंने वेख्या भी ये गल जिहड़ी है मुद्दा थोड़ा जिहा दब रहा है, तो ये पेपरां दे विच भी खबर छपी है, मेरे तक पहुंची है, और टॉक शो भी होए ने, उन्हां बंदियां ने वेख्या भी कुछ होर लभीए। तो वह एक गल लभी है कि गुरप्रीत सिंह नामक लड़का सेवादार इन्हां कोल रहिंदा सी, उन्हें अमेरिका दे विच किसी लड़की दे नाल रेप किया। वो मैं टॉक शो भी सुनिया, उहदे विच उह बच्ची भी बोलती, उन्हें कहा कि मेरे नाल धक्का होया, मेरे नाल जबरदस्ती हुई, मेरा वोशन तक करवाया गया, इदां दे शब्द, माफ़ी मंगदा मैं चैनलों तो इदां दे शब्द स्टेज तो मैं आप जी विच बोल रहा, वो लड़की ने कहा है, तो मैं जवाब देना पै रहा। पहले नंबर पर तो गल ये है कि उन्होंने बच्चों नू साडे कोलों गया नू 3 साल हो गए, प्रीतम सिंह ते गुरप्रीत सिंह, वो साडे तो आग्या लेके गए ने। जिहड़ी खबर छपी है मैं पढ़ी है, खालसा न्यूज़ विच छपी है, होर भी 1-2 पेपरां च बाहर छपी है, उहदे विच लिखिया है कि एक कबूतरबाजी कीती इन्हां नू अमेरिका च छड्ड के गए। जिहड़ी संगत मैनू एयरपोर्ट ते चढ़ाण आई है जां जिहड़े सानूं जाणदे ने, सब नू पता है कि मैं उन्हां सिंघां नू छड्ड के नहीं आया, सारे सिंघ मेरे नाल जांदे रहे आ, वापस आउंदे रहे आ, लखां संगतां इत्थे आउंदियां ने, सानूं कबूतरबाजी वर्गा घिनौना काम करन दी लोड़ नहीं है, प्यार सत्कार बहुत संगत करदी है। दूसरी गल, उह बच्चियां दे घर दीआं करोगी मजबूरियां सी, मेरे तो आग्या लई कहिंदे जमीन है सी खेतीबाड़ी करने आ, चले गए, हुण 10 साल रहे आ, बच्चियां दीआं फीसां ने, होर खर्चे ज़्यादा ने, नहीं सांभ सकदे, अपने घर वेख्या 5-4 महीने नहीं उन्हां दा सैटल बैठिया, तो उन्होंने मैनू कहा कि बाबा जी जे तुसीं कहो तो सानूं आग्या दे दिओ, असीं बाहर जा के कोई काम लभ लईए, उत्थे कुछ कर लईए। मैं कहा तुहाडी जिंदगी है, तुसीं अपने तरीके नाल जीउणी, किरत बिरत करो, जो मर्जी करो, और चले जाओ। वो इत्थों चले जांदे ने, 3 साल उन्हां नूं मेरे कोलों गया नूं हो गए आ। उस गल नूं मेरे नाल जोड़ना, पहलां तां ये गल रोंग है, बिल्कुल गलत है,
क्योंकि उन्होंने मेरे नाल नहीं जोड़िया जा सकता। दूसरी गल ये है कि उत्थे गए हैं सानू वो मिले है, इत्थे भी एक बारी आए हैं, एक बारी साढ़े नाल उस तो 3 साल दौरान एक प्रोग्राम से भी गए हैं वो बच्चे। हुण दूसरी गल जिहड़ी मैं कहनी चाहना कि वह बच्ची ने इल्जाम लाया मेरे नाल रेप होया, कमाल दी एक हासोहीणी गल होई कि वह जिहड़ा प्रजेंटर है ना कुलदीप सिंह कैनेडा वाला, उन्हू पूरा टॉक शो जिन्हें उन्हें किए उन्होंने सुन के पता लगता है भी वह बंदा सिर्फ तो सिर्फ एक विरोधता वाला पक्ष लेंदा है। उन्हें कालर भी इदा के लेने ने जेडे मेरे विरोध में ज संतां दे विरोध च बोलणगे, तो उन्हें जदों कोई बंदा साडी गल माड़ी जी करन लगता तो उन्हें कटद। उन्हें कहा कि तू दस भी, वह कहना मैं उत्थों आ चुकी हाँ, इन्हों तुसीं उन्हां नाल ना जोड़ो, पहली गल। दूसरी गल उन्हें कहा कि जे मैं इहदे नाल इदा का कुछ किया है तो मेरा DNA टैसट करा लो भी मैं ऐसा नहीं किया। उन्हें एक शब्द बोलिया कुलदीप सिंह ने, कहिंदा ओए गुरप्रीत ये जस्सा सिंह नहीं इंडिया वाला इत्थे SHO, इत्थे अमेरिका की पुलिस है। उन्हूं ये नहीं पता भी अमेरिका की जो पुलिस है भी मैं इंडिया वाली पुलिस तो खरीद ली है, मैं अमेरिका वाले भी खरीद ले। रेप का दोष है, मीडिया च बोल रहे हो तो वह बंदा बाहर क्यों फिरदा। गुरप्रीत सिंह अज जो बाहर है, उन्हें कहा कि मैं गुरुद्वारे के बिल्कुल नाल बैठा, मैं कोई भज्जिया नहीं है, गुरुद्वारे की कमेटी मैं लिख के आया कि तुसी मैनू मेरा इंसाफ करो भी ऐसा काम मेरे ते इल्जाम लगा है रागियां दी आपस चो, तू कीर्तन करना तू करना की इन्होंने किया है, ये उन्होंने वक्री गल भी मैं इत्थे बैठा। उन्हें स्पष्ट किया है तो यदि डट के इनकुआरी होवे मैं तुहाडे चैनल के माध्यम नाल कहना चाहुंदा कि जे वह दोषी है, मेरी गल गुरबचन सिंह प्रधान नाल होई, उन्नी दिन ही मैनू कॉल आई कहिंदे इदां दी इत्थे इक रौला उठाया एक बंदे ने अवतार सिंह ने। मैं डट के उन्होंने कहा, उन्होंने पूछ सकते हो भी गुरबचन सिंह जी जे दी गलती है इनू डट के सज़ा दवाओ, पुलिस में जान दो, यहोजा काम करने वाला तो चाहे साडा भरा भी क्यों ना कोई होवे भावें उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, असी उहदी कदे हैल्प नहीं करांगे। तो जे तुहानू लगता भी वह उहदे गलत इल्जाम लग रहा तो फिर उहदा साथ तुसी जरूर देना है भी रेप वर्गा जिहड़ा इल्जाम किसी ते भी लगना जिहड़ा है बहुत भैड़ा है, मंदभागा है। जदों रेप ही सिद्ध नहीं होया फिर मेरा मैं कह रहा भी 25-30 लाख रुपया लै लो इस गल नू दब लो, ये कित्थों तक सिद्ध हो सकती है। उन्होंने अपने तरीके नाल ये दूजा मुद्दा जिहड़ा सी ना ये उठा लिया सी। मैं हुण भी कहना चाहुंदा विदेशां दी संगत नू भी जे इस गल विच सच्चाई मिलती है तां उहनू जरूर सज़ा मिले, जे उहदी गलती है एड्डा वड्डा घिनौना पाप कीता है। 10 महीनों बाद ये सोचण वाली गल है कि 10 महीनों बाद अज ये इशू क्यों लिया गया, सिर्फ एक नाल जोड़न लई कि मेरा नाम बदनाम। पर मैं फिर भी कह रहा 3 साल गए जिहड़े बच्चे जा ही चुके ने वो की करते ने उन्हें फिर साढ़े नाल जोड़ के वेखना, ये माड़ी गल जी। ये जिहड़ा हैगा कुछ दिन पहला वाद विवाद उठिया सी ते मैं इस विषय उत्ते एक दो जगह बोलिया भी हाँ ते हुण भी तुहाडे चैनल के माध्यम नाल मैं दस रहा भी कदे भी कोई इदां दा इशू जिहड़ा है वो जरूर क्लीयर करो, और जे इहदे विच दोषी पाया जाता है तो उन्हें उहदी सज़ा मिलनी चाहिए। हुण एक होर इहदे नाल ही गल उठी है जी कि एक लड़की ने इत्थे आत्म हत्या कर ली है तो उसकी भैन जसविंदर कौर जो कई गल्लां इहो जिहियां कह रही है जिहड़ियां दे नाल तुहाडा नाम जुड़दा पिया ते भी SMS आंदे रहे है ते उस बारे भी तुसीं संगतां नूं की कहना चाहोगे। उहदे संबंध विच मेरी यह बेनती है कि जसविंदर कौर नामक बीबी ने इल्जाम, मैं हुण कई गल्लां नूं वेख के ना हासोहीणियां गल्लां ने, वो बीबी नूं मैं एयर ते बोलदी नूं सुणिया परसों चौथ, मैनूं किसे दी कॉल आई भी उहने किसे स्टेशन ते बोलिया रेडियो स्टेशन ते, मैं उहनूं सुणिया पूरा, मेरा ख्याल वो 15 मिनट उहने गल कीती है, प्रजेंटरां ने उहनां नूं सवाल पुछे नूं उहनां ने जवाब दित्ते है, उहनां ने जदों सारी गल और एक एक खबर अखबार विच भी छपी है, खबर जिहड़ी छपी है ना वह मेरे कोल ही है, ये है सिख स्पोक्समैन छपी है, सिख स्पोक्समैन जो कि बाहर ही छपदा अखबार टोरंटो विच है मेरा ख्याल है जी न्यूज़पेपर, होर भी मेरा ख्याल खालसा न्यूज़ विच भी है। ये खबर आई है कि इन्हां दे डेरे विच एक लड़की जहरीली दवा खा के उन्हें आत्महत्या की है, और ये जिहड़ी खबर दे विच तुसीं देखोगे ना फोटो लगी हुई है कैमरे च भी वेख लेगी संगत, दो लड़कियां बनाईया हुई ने इंटरनेट ते खबर है देखो, दो लड़कियां ने एक लड़की दे मैं मूंह उत्ते हाथ ला रहा और एक नंगे सिर सज्जे बैठी है एक खब्बे बैठी, ये जेड़ी फोटो है ना ते इंटरनेट ते पई हुई,
मैं पहला भी कई काफ़ी चिर पहला भी तस्वीर वेखी सी भी किसी बच्चे ने बनाई है भी दो बीबियां बनाइया ने और ओरिजिनल फोटो भी है भी है तो नौजवान बच्चा ये तो लड़की है ना ये संगत में दिखा सकते हो तुसी भी लड़की ये बनाई है तो ये ओरिजिनल है जिदे विच मैं नौजवान बच्चे दे चेहरे उत्ते हाथ ला रहा नौजवान दाढ़ी कट्टी वाला उन्हूं कह रहा भी दाढ़ी रख ला तो बना दी एक लड़की दूजी एक नाल होर बिठा दी गई। ये इंटरनेट पर भी है जिहड़े बच्चे इंटरनेट यूज करते हैं ना वो जरूर वो जदों वेखणगे उन्होंने पता लग जाएगा भी सच्चाई की है। हुण ये फोटो नकली है जिथे फोटो पई है वो नाल ही असली भी है भी नौजवान बच्चा दिस रहा है अखबार वाले ने पेपर वाले ने जो फोटो लाई है वो असली लावे ना कि नकली। खबर तो खबर में तो उन्होंने ये होंगे कि हो सकता जी सच्ची होवे तुहाडे कोल न्यूज आई है साडा पक्ष तुसीं बाद च लाना पहला उन्होंने लाता पर यह खबर लाण तो पहला फोटो तो तुसीं चुक रहे हो ना इंटरनेट तो लै रहे हो फोटो तो घट तो घट जी असली है लाओ नकली बीबियां मेरे बीबी के मूँह के उत्ते इदा हाथ लाया तो इदा आटोमैटिकली एकदम होंगे अच्छा जे फोटो सच्ची है इदा की फोटो है तो फिर यदा मतलब कि सच्चाई भी होएगी। ये दूसरा पक्ष है जी लड़की मरण वाली गल जिथों तक है ना जी वो बई पिछले महीने की 22 अप्रैल की गल वो बीबी कहती है कि इन्होंने बाबिया ने एक उन्हें पहला जी गल की जो ये सच्चाई है जिनी गल साडा वो दोष है वो इन्ना है भी साढ़े सेवादारा असी इतने नहीं है उस दिन असी देहरादून देहरादून है रात 22 अप्रैल मैनू शाम को फोन गया कहिंदे एक लड़की बाबा जी इदा करके उसकी सेहत ठीक नहीं सी ते मैं क्या फिर की किया मैं अपने सेवादार नूं पुछया उन्हें कहा बाबा जी असी एंबूलेंस नूं भी बुलाया भी उन्हें छेती दसो भी लगता भी उन्हें कुछ खा लिया जां कुछ इदा घरों आई है अपसैट लगती सी ते असी पुलिस नूं भी इनफॉर्म कर दिता मैं कहा शाबाश चंगा काम किया। उस तो बाद एंबूलेंस आई पुलिस वाले आए वो लड़की नूं लै गए सानू अगले दिन पता लगा कि वो बच्ची जिहड़ी है वो 4-5 घंटे बाद उसकी डैथ हो गई सी उन्हें जहरीली दवाई खाधी सी मेरे एकदम मन में अफसोस भी होया मैं कहा चलो जो भाणा भी की होया होगा वो आप ही उन्होंने की आ के बयान दिते आ सारा कुछ कोई पता नहीं इस गल का। उस तो बाद अगले दिन ही कॉल आई है मैनू मैनेजर की सेवादार कहिंदे बाबा जी वो जिहड़ा परिवार है ना वो कहिंदे कि असी बहुत गरीब हाँ असी भोग तक भी नहीं पा सकते भी साड़ी कुछ हैल्प करो जे तुसी हुक्म करो तो कुछ मैं कहा भी तू 20,000 रुपया अपनी संस्था वालों तुसी उन्हां नूं दे दिओ ते इन्नी हैल्प तुसी उन्हां दी कर दिओ वो एक आपां होर भी बहुत सारे साढ़े कोल साइन ने घट तो घट भी एक महीने च 1000 लोग आउंदे आ बच्चियां दी शादियां वाले जां कोई होर गरीब आ शहीद परिवारां दे बच्चे भी आउंदे आ साढ़े कोल साइन ने तुहानूं विखा सकदा कि 40-40 हज़ार रुपया 20-20 हज़ार रुपया असी दिंदे आ शादियां करो विआह करो वो इदां दी खबर बनी। उन्होंने हुण जदों आ इशू उठाया वो सारा रौला पै गया वो बयान होए आ सारा कुछ होया हुण वो बीबी एयर ते जा के बोल रही है अज 25 दिन लंघन तो बाद वो बीबी अज बोली है वो कहिंदी है जी इन्होंने SMS किए ये खबर जिहड़ी छपी है ना ये नंबर लिखा हुआ खबर में नंबर है कि मेरा नंबर भी दिता है तो लड़की का नंबर भी दिता भी सच लगे बिल्कुल भी खबर सच्ची है तो बोल भी रही है उदों भी उदा भी पता नहीं किड्डा क वड्डा घुनाउणा पाप किया एक खबर वो बीबी कहती है बाबिया ने SMS किया तो साड़ी बड़ी गुरसिख लड़की सी बाणी पढ़न वाली सी तो जदों उन्हें SMS किया तो वह परेशान हो गई भी इन्ना गंदा SMS आ गया बाबिया का तो एकदम वो इन्नी अपसैट हुई तो उन्हें अपनी माँ नाल भी गल की परेशान हो गई ये पहलां दी गल है तो 22 तरीक नूं किसी सहेली का फोन आया भी तू गुरद्वारे आ संगत बाहरों आई है आपां उन्हां दी सेवा करनी है तो 22 तरीक नूं साडी भैण गई तो उत्थे उहदी डैथ हो गई। इन्हां दा फोन आया इन्हां ने कुछ खवाता पता नहीं किवें मर गई इन्हां नूं भाजणा पै गईआं ऐसे उन्हें शब्द वरते ने। मैं अपने सारे सुनन वालियां नूं बेनती करके बेनती करनी चाहुंदा भी सारे ही सियाणे हो यार तुसी सब सियाणे हो टॉक शो करन वालियां नूं भी बेनती करनी चाहुंदा भी मूर्ख तो मूर्ख बंदा भी है जिहड़ा बड़ियां गल्लां असीं सुणने आ भी लोग इदां दे काम करदे ने कालां करनियां SMS करन वाला बंदा पता भी रिटर्न जा रहा मेरे फोन तो मैं कर रहा वो बच्ची गुरसिख लड़की उहनूं मैं SMS करांगा तो वह अपने माँ नूं प्यो नूं विखाएगी और प्रशासन कोल जाएगी मीडिए च जाएगी किद्दां जुलूस निकलदा मैं बिल्कुल ही पागल समझिया उन्होंने मैनूं भी एक ऐडा बिल्कुल गिरी हुई हरकत भी मैं SMS करांगा
पहली गल ये है। दूजी गल SMS की जी, वो घबरा गई जी, वो परेशान हो गई। जेडे उन्हें उन बीबी ने नंबर लिखवाए ने जो पिछे पूरा एक ग्रुप है समेत, मैं अखबार भी चैक करवा लिया ने, वो प्रजेंटर जेडे दो मीडिए एक दो मीडिए वाले ने, वह बंदे सारा एक ग्रुप है। और जिस दिन इन्हों पता लग गया कि असी पल साढ़े नेड़े सुखविंदर सिंह साढ़े हाथ आ गया, इन बंदियां ने बड़िया खुशियां मनाईया ने भी असी एक प्रचार नूं हुण बंद करना है। मैं तो पहला भी क्लीयर कर चुके हाँ कि असी अपना कुछ नहीं अज तक बनाया ना बनाना है सारी जिंदगी। उन्होंने बड़ी खुशी मनाई, पर जदों उन्होंने हथों मुद्दा जाता दिसिया, वो गुरप्रीत वाला मुद्दा, उहदे विच कोई तत् नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, वो ना रेप होया तो ना विच उहदे विच मैं भी अगे किसी गल ही नहीं आउंदी कोई अगे। उस तो बाद फिर इन्होंने एक तीसरी गल ले आंदी है, वह बीबी नूं उहदी जसविंदर कौर उहदी भैण है उन्हूं खड़िया कीता। अच्छा, जिस वेले असीं लाइव बोले हाँ साडे मैनेजर नूं उस बीबी का फोन आंदा है परिवार का कि असीं मीडिया 'च जावांगे, साडी कुड़ी भी इत्थे मरी है, एक ब्लैकमेल करन वांगू असीं भी मीडिया 'च जाणा, शब्द उन्हां दे, साडी तुसीं किसी ना किसी साडे नाल बह के गल करो, इदां दी गल आई सामने। मैनूं उहने कहा बाबा जी इदां, मैं कहा कोई साडा 1% इहदे विच रोल ही नहीं है। मैं उहनूं कहा, मैं कहा जिथे इहनां ने जाणा जाण दिओ, जे बोलणगे तो असीं अपना स्पष्टीकरण देंगे भी इहदे 'च साडा रोल की है। हुण मैं खबर भी पढ़ ली, बीबी नूं बोलदिआं भी सुण लिया, तो मैं हुण बेनती ये करदा भी पहली गल उन्होंने जिहड़ा नंबर मेरा अखबार 'च दिता है वह नंबर है 9415700601, जो कि मेरा नंबर नहीं है, भी ये बाबे का नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर उदण तो बंद पिया, ये नंबर उदण तो बंद पिया। मैं हुण बेनती ये करदा भी ये जिहड़ा नंबर उन्हें मेरा दिता है, विदेशां च रहण वाले भी इंडिया च रहण वाले भी सारिआं दे बहुत संबंध ने, विदेशां च कई बंदे प्रधानमंत्री नाल गल करदे ने, उन्हां दी ताकत सिखां दी, मुख्यमंत्री नाल गल करदे ने, वड्डे वड्डे ऑफिसरां तक पहुँच है, इन्हां ने बाहर जाणा, उन्हां ने इत्थे आउणा, इन्हां दे बड़े लिंक ने आपस च, मीडिया वाले भी कढ़ा सकदे ने, कढ़ा लैण। ये जिहड़ा नंबर है पता करो भी जिहड़ा बीबी नंबर दे रही है, नंबर किहदे नां ते चलिआ है, कदों तो ये बंद पिया है, कि ये नंबर है भी है कि नहीं है, ये किहदा नंबर है जिहड़ा SMS करता है, उहदे नाल कोई मेरा लिंक बनता होएगा तो गल कुछ सामने आएगी। ये झूठा नंबर देता, और जिहड़ा मैं हुण अपना नंबर बोल देना क्योंकि हुण मीडिया 'च गल आई है, मैं महीने दो महीने बाद अजे तो चलण देंगा नंबर, क्योंकि जदों फोन तुसीं इदां ओपन दोगे तो मैनूं पता है बड़ियां कॉलां आउणियां, पर मैं अपना नंबर बोल देना, मेरा नंबर 98 वो है 494, नंबर सेम है पिछला, पर अगे 98 है वो है 94, ये फर्क पै गया ना एक अखर का, अखर का मेरा नंबर ये है। मेरी साढ़े प्यार वाले सारी संगत इसे नंबर पर मेरे नाल गल करती है, मीडिया वाले मेरे नाल गल करते हैं, होर भी नंबर में साढ़े जिन्ने चलते हैं सारे नंबर, कल्ले कल्ले नंबर जेडे ने वो बाहर वाले जेडे ने पता करा लैन, उदू बाद डिटेलां कढ़ा लैन। मेरे वल्लों एक भी कॉल वो जिहड़ी कहिंदे ने साडी बच्ची उहदी डिटेल कढ़ाण, एक कॉल भी मेरे वल्लों गई होवेगी, मैं कॉल कीती होवेगी जां मेरा कोई SMS कीता होवेगा, मैं हर तरह की सज़ा भुगतण नूं तैयार हाँ। विदेशां वालियां नूं मेरी बेनती है कि जदों इदां दे सवाल ये लोग उठा रहे आ, ते इहदी एक मैं डिस्कशन होई है संगत TV वालियां ने कीती, सारे सिख जथेबंदियां उहदे 'च बैठी, मैं पूरा कल सुणिआ, मैं खुद बिजी रहा बार बोलता रहा, और उस तो बाद फिर मरिंडे प्रोग्राम चलते सी उहदे विच भी मैं जाता रहा, कल भी मैं दुआन तो आया, अज भी चले ही हाँ प्रोग्राम ते, वो मैं पूरी डिस्कशन जो भी हुई सारी सुनी, तो मन बड़ा ही खुश होया। मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई हक च बोले भी बड़े बाबे आ जी बड़े आ, चलो इन्ना मैनू एक सपोर्ट मिली, गुरु नानक साहब ने लंगर लाए राय बुलार उन्हां दे हक च खलोता, चपेड़ा खा के प्यो दियां भी, पर हक च खलोण वाले भी आ जाते, बड़ी खुशी हुई भी यार साडे इन्हां ने हक च बोले आ। जथेदार साहब श्री अकाल तख्त साहब दे भाई मोहकम सिंह जी, भाई राम सिंह जी टकसाल वाले, बाबा भजन सिंह नानकसर वाले रागी जथियां विचों भी, तो मैं गल बाणे ते हथ रख के कह सकदा कि मैं जथेदार जी नाल गल नहीं की, जसविंदर सिंह जी हैड ग्रंथी ने भी मेरे हक च बोलो, उन्होंने मेरा पक्ष सुनिया है, तो इकबाल सिंह जी पटना साहब दे अपने आप उन्होंने, और जथेबंदियां वालियां नाल भी मेरी किसी नाल भी तुसीं मेरे हक च जाओ जी चैनल ते बोलो जी, मैं नहीं कहा,
पर मैनू खुशी बड़ी हुई। एक जोगा सिंह उन्होंने गल कमाल दी की, उन्होंने कहा कि जथे चाहीदा है कि इदां दा सवाल किसी ते भी उठ सकदा, कल नू किसी जथेबंदी ते किसी संत ते किसी रागी प्रचारक ते उठ सकदा है। असी एक पैनल क्यों नहीं बनाउंदे वी इनक्वायरी आपां अकाल तख्त साहब करे, जे इंडिया वाले नहीं करना चाहते तो आप बाहरले कर लिया करिए, भी इनकुआरी कर लीए हर गल की, तो जोड़ा सामने आवे फिर मीडिया सामने फिर ले आईए भी आ बंदा इतों खोटा है। तो मैं पहली गल्च भी सुखविंदर सिंह के केस भी कह चुकिया भी जिथे मेरा कसूर तुहानू लगता मैं थोड़े बच्चे जवाब दे हाँ, तो आ जड़िया गल् ने मेरे जिन्ने नंबर बीबी ज बीबी को नंबर बोल, जो मेरा नंबर गलत बोल रही है, लिखा गलत है, बोल भी गलत रही है, वह नंबर कि पता कराया जाए, मेरा नंबर मेरा चैक करा लो, नंबर जिथे मर्जी चैक करा लो कि मेरे वालों किसी लड़की नाल काल भी मेरे मैं जिथे जिथे कॉल करना वो कौन है वह जिन्हें मेरी लम्मी लम्मी गल मैं करदा मेरे अद्धा अद्धा घंटा भी साढ़े प्यार वाले सिंह चढ़ती कला वाले सिंह मेरिया गल् होंदिया ने। अच्छा ये भी गल मैं तुहानू नाल स्पष्ट कर दिया, हुण तुसीं मेरी डिटेल जदों कढ़ाओगे उहदे विच तुहानू इदां भी नज़र आएगा कि 100-100 मिस कॉल एक दिन च, 200-200 300-300 मिसड कॉल च, इदां दे बच्चे कई तुहानू पता सारे तरह की दुनिया कई परेशान करन वाले भी हुंदे ने, बाबा जी कित्थे पहुँच गए कित्थे चले गए हुण कित्थे हो, मैं देख लैना भी बच्चे होर हिसाब दी इहनां दी सुर समझ लैंदे ना आपां, आपां उस वेले फोन कट कर दें फिर कट फिर ये फोन आपां मैं फीड कर भी नहीं सुनने वाला ये साढ़े काम वाली गल नहीं है, ये उल्ट चलन तुहानू पता है मैं दस रहा स्पष्ट समझ रहे हो तुसीं मेरी गल कि बच्चे कई जिहड़े ने वो भावना ही उन्हां दी होर टाइप की है, वह तो तुहानू नज़र आएगा कि 200 फोन आया है पर अटेंड नहीं किया, जी वो लड़की का नंबर कितने हो सकता मेरे फोन पर आया भी होएगा तो वह अटेंड नहीं होया होगा, ये स्पष्ट करेगी मेरी जी तुम डिटेल कढ़ाओगे पहली गल। दूजी गल ये है कि जे कोई मैं SMS किया है जां मैं कोई कॉल की है फिर मैं दोषी हूँ, वो परेशान होई, अच्छा जे मैं SMS किया दोबारा साढ़े स्थान पर की करन आई भी परेशान हो गई माँ नाल उन्हें गल की वो लड़की फिर उत्थे 22 तरीक नूं की करन गई, वो भैन नूं पुछया जाना चाहिए सवाल भी बीबी तू कह रही है भी जसविंदर कौर फिर चली गई क्यों गई, एक सवाल उन्होंने पूछया कहिंदे 28-29 साल दी तुसीं विआह क्यों नहीं किया, वह कहन लगी वह कहिंदी सी कि जे तुसीं मेरा विआह करोगे मैं जहर खा के मर जाऊंगी, हो सकदा तां ही मर गई होवे इन्हां ने विआह की गल की होवे, वह कहिंदी सी कि मैं धमकी देंदी सी कि मैं जहर खा के मर जाऊंगी, की इहदा होया ये सारे का सारा पता किया जा सकता। दूजा एक सवाल होया कहिंदे सानू खबर आई तुहाडी कुड़ी मर गई है, असी सारा परिवार गए जांदियां नूं तड़फ रही सी, कहिंदे उस वेले उन्हें कहा कि मैं शब्द महाराज जी करके मैं जान दे रही हूँ, इदा कहिंदे कही तो वह मर गई, एक की तुक बनी है की सिस्टम है की बनता है। दूसरी गल वो कहिंदी है कि असी उत्थे बौंदले होए सी सारिया ने असी उन्हां दी मैं हुण जदों ये गल इशू उठिया तो मैं क्या हुण गौर करो यार ये गल एक होर साढ़े गल लगे है पाने का पता करो है की है, असी चौंकी पसियाणा साढ़े नेड़े पैंदी उत्थे गए हैं उन्हां दे जिहड़े उस वेले बयान दे के गए है उन्होंने वो जो कुछ भी लिखा हुंदा ना जी लिखाया जाता वो बयान दिते है जिहड़े वो लियांदे असी मेरे कोल पई है कापी, सत्त जीआं ने इन्हां दे दो भरावां ने एक मां ने चार भैणां ने, ये सत्त जी आए सत्तां ने साइन किए जसविंदर कौर दे विच साइन होए आ कि असी लाश लैके जा रहे हैं और उहदे विच बकायदा लिखिया कि इहदे विच कोई दोषी नहीं है, जहरीली दवा खाण करके जां कोई ऐसी दवा उहने खाधी जिहड़ी उहनूं इनफेक्शन कर गई साडी बच्ची की मौत हो गई है, कोई दोषी नहीं है, असी अपनी लाश लैके गए संस्कार कर लिया भोग भी पा लिया सब कुछ हो गया, उदू बाद 25 दिन बाद लंघन बाद अज ये गल सामने आ गई भी अखे जी उन्होंने सानू अखे 6 लाख रुपया दे के गल दबाई है दसन कि किहड़े सिंह ने साडे ने 6 लाख रुपया दिता है, वह कहिंदे सियासी बंदे आए सीगे क्यों 6 लाख रुपया फड़िया उन्होंने किहड़ा 6 लाख कादा फड़िया, जदों 6 लाख रुपया पहला तो चलो मान लो बौंदले हुए सी साइन कर दिते उदन रौला पाते भी ये साड़ी लड़की बोल के बयान दे के गई है असी साइन नहीं करने, उदन तुसी साइन कर दे हो संस्कार कर लेंदे हो भोग भी पा लेंदे हो फिर तुसी कहिंदे हो जी 6 लाख रुपये साडे नाल फैसला, मैं फोन किया सुनियो जरा मैं फोन किया बाबिआं नूं मैं कहा असी मीडिया जावांगे तो फिर डर गए तो फिर सानू कहिंदे सियासी दबाव पाया एक मंत्री का भी नाम बोलिया कि उन्होंने थ्रू सानू 6 लाख रुपया दे गए, इन्हां ने 6 लाख कादा फड़िया, अच्छा कहिंदे साडे तो उदन फिर इन्हां ने साइन क्यों किए, उदन इन्हां दा दिमाग इन्ने दिन लंघ गए सी उदन तां सैट सी इन्हां नूं चाहीदा सी, जे मान लो इन्हां कोल जे 6 लाख रुपया किसी मंत्री तो इन्हां ने लिया है उहदा 6 लाख रुपया वापस करो, इस केस की इनकुआरी होवे
ਡਿਟੇਲਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਵਧਾ ਲਓ ਮੁੱਦਾ, ਲੈ ਜਾਓ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਜੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਫੰਡ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, 1,00,000 ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਤ ਦੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਫੋਨ ਪਰਸੋਂ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡਟ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਰਾਇਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 50 ਬੰਦੇ, 100 ਬੰਦੇ, 500 ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ? ਪਾਗਲ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਵੀ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, SMS ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ SMS ਕੀਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਗਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਸ ਰਾਤ, ਸਾਡੇ ਮੈਂ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮਰ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਡਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੱਕ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬੜੀ, ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 20,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਚੱਲ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਰਸਟ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ, ਆਹ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜਿਆ, ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਬਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਲਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਟਾਕ ਸ਼ੋਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ, ਡਟ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ, 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨਾ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ। 2 ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਮੈਂ TRP ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਇਆ, MH1 ਵੀ ਔਰ Time TV, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ 1%, ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ SMS ਲੈ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ SMS, ਬੀਬੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਓ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਡਟ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ CBI ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੜਫੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 6 ਲੱਖ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, 20,000 ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਪ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, 20,000, 6 ਲੱਖ
फिर असी चुप कर गए, असी हुण दुबारा सा। असल विच इह होया इह है जी वी इत्थों दे वी दो तीन, माफ़ करियो, दो तीन साधु ही ने जिन्हां नूं असी साधु कह दिंदे आ, महापुरख ने जां बाबे ने, ਉਹ ਪਲੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਲੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ 10 ਲੈ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, 15 ਸਾਲ ਵੀ, 10 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਜੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਜੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਫਾਹੇ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਪ੍ਰਜੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਸਪਸ਼ਟੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਪਤਿਤ ਸਨ ਪਰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਛਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉੱਠਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਮੀਡੀਆ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸੁਣਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਜੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸਰ ਕਬੂਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਮੇਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਛਵੀ? ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ। ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਓ, ਪੈਨਲ ਬਣਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਆਓ, ਸਿਰਫ 5-7 ਬੰਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 10 ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਣੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਵੀ ਇੱਕ 'ਚ ਕਾਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣ, ਬੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪਏ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ,
माड़े बंदियां ने गलत काम किए आ, अज उह सज़ा भोग रहे आ बैठे आ। पर कई इन्हां ने इदां दे बंदे भी घर बाह दित्ते आ जी, सिर्फ उन्हां दी इज्जत मुड़ के नहीं आई, कोर्टां ने उन्हां नूं बरी कर दिता पर संगत विचों बरी नहीं हो सके। इस करके मैं हर गल हर बेनती करदा हर जथेबंदी नूं भी हर गल दी तह तक जाओ, किसे बाबे साध दा साथ ना दिओ, मेरा साथ कदे ना दिओ जिथे मैं गलत होवांगा। बाकी मैं धन्नवादी हाँ उन्हां वीरां दा जिन्हां ने साडा साथ दिता आ। बड़ी मैनूं खुशी, मरिंडे दवान असीं पिछले साल लाए, जिन्नी संगत पहले दिन सी लास्ट दिन सी पिछले साल, उन्नी संगत परसों पहले दवान च आई, कल बहुत वड्डी गिणती नाल संगत जुड़ी, अज अमर संचार हो रहा, इन्ना इकट्ठ बच्चा बच्चा खुंडां तों लै के ऑफिसां तक साडी गल सुनी है लोगों ने, तो संगत की कचहरी में मैनूं ये लगता है कि मैनूं इंसाफ जरूर मिलेगा। मैं इन्हां लोगों तों आस नहीं रखता, ये तो सियाने एक हासे वाली गल है कि लोग कहते मैं नहीं तेरे नाल वसदी, अखे क्यों, तेरी खांदे की दाढ़ी हिलदी है, मैं वो तो बस इन्हां ने तो दाढ़ी हिलने वाली गल, इन्हां ने तो कढ लेनी कोई ना कोई, पर असल च है साडा भाईचारा ही है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚਲਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਥੱਕੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ, ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਨੇ, ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ 'ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਦੇਣ, ਨਾਨਕ ਸਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਮੈਂ ਡੱਟ ਕੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਣ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਲਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਤਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੜ ਲੈ, ਲੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਰ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਕਈ ਹੋਰ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਡੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੌਲੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਆਵੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਾਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਖਣ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾਣਗੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਯੂਜ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।